खबर भोपाल से। भगवान परशुराम के सहारे 2023 पर कांग्रेस की नजर है। सवर्ण और आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। कल भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ कुटी जाएंगे कमलनाथ। भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे कमलनाथ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, सवर्ण मंदिरों के लिए काम कांग्रेस ने किया था। पीसी शर्मा ने यह दावा किया। महाकाल ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कांग्रेस ने किया। सवर्ण हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। टंटिया भील और कांग्रेस का डीएनए एक है। जहां तक ब्राह्मण समाज का है, सवर्ण समाज का है, 10% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया था। बात करें अगर उसकी, मैं धर्मस्थ आध्यात्म मंत्री था तो महाकाल में 350 करोड़ रुपए स्वीकृत करके उसका जीर्णोद्धार करने की बात कमलनाथ जी ने की। ओंकारेश्वर में 150 करोड़ रुपए से उसका जीर्णोद्धार पूरा करने का, विकास करने की बात कमलनाथ जी ने की। जो पूरे प्रदेश के जो शासकीय मंदिर हैं उनका 3 गुना अगर किसी ने बढ़ाया था मानदेय, तो कमलनाथ जी ने बढ़ाया था। तो ये सब काम जो किए उन्होंने, तो अब जो ब्राह्मण महासभा है वहाँ की लोग, उन्होंने उनको आमंत्रित किया है। जाना पाव में जाके भगवान परशुराम की पूजा भी करेंगे और उनका सम्मान ब्राह्मण महासभा करेंगे। आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त की छुट्टी आदरणीय कमलनाथ जी ने की थी मध्यप्रदेश, जिसका कि विरोध बीजेपी ने किया था। और टंटिया भील का डीएनए तो कांग्रेस का डीएनए एक है, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े थे। तो नेचुरल, और वैसे भी कमलनाथ जी का जो रहा है आदिवासी प्रेम, उनके छिंदवाड़ा के क्षेत्र की बात करें या मध्यप्रदेश की, जो कुछ भी उनके बारे में सोचा है, उनके विकास के बारे में सोचा है, उनकी उन्नति, वो कमलनाथ जी ने सोचा है। इसलिए दोनों जगह जाकर वो अपना सम्मान प्रदर्शित।